तकवा मिले तो रमजान मुत्तकी बनाने के लिए अभी तक ज़ियारत नहीं हुई जी जी खैर ज़ियारत हुई तो अर्ज करेंगे वरना भाई छोड़ो भाई नीचे करो तार नीचे करो तार नीचे करो कुछ फैसलाबाद में मतलब जो है कुछ खबर आलूद है यानी बादल है क्लाउड्स देखो फेसबुक देखो फेसबुक ऑन करके देखो ना कल तारीख का चांद और भी बारीक होता इसको देखना भी एक काम होता है आंख वालों का काम होता है अल्लाह की शान है अल्लाह का निजाम है लेकिन वो दिन को सूरज जगमगाता है तो रात को चांद आ जाता है अल्लाह पाक ने सूरह यासीन में फरमाया कि चांद और सूरज को नहीं देखो तो सही कनेक्ट करो कनेक्ट करो होते हैं हाँ फादरसाद मिली कहते हैं इसको कि आपने पैदा होती रोजे रख ली हमें तो कई कई साल तक दुनिया में आए होश नहीं होती वो नासमझी की उम्र कहते हैं लेकिन जो औलिया किराम होते हैं बाद औलिया किराम मादरसाद बनी होते हैं पैदाशी बनी होते हैं तो गौसे आजम तो पैदाशी 18 पारों के हाफिज और पैदाशी वलीउल्लाह और आते दुनिया में आपने पहला दिन रोजे से गुजारा माशा तो रात अगर रमज़ान का ऐलान हो गया तो इंशाल्लाह जिक्र गौसे आज़म भी करेंगे और कुरान से गौसे आज़म की शान बयान करेंगे इंशाल्लाह में कुरान पढ़ना है हमने इंशाल्लाह ना बरकत दे हाँ हम ओके हाँ जी देखो अपने फेसबुक पर आके देखो अपने अरे याद रखिएगा कि बाद में इस मौके पर अफवाहें भी उठती हैं तो इस प्रकार की धरना अपने चैनल देखते रहें और जो नासमझी के सोशल मीडिया के जो ऑफिशियल पेजेस हैं इसको चेक करते रहें तो इसके अंदर जब ऐलान हो फिर समझे तो वाक्य या और मुख्तलिफ राय से जब पता चले उस वक्त आप वो कीजिएगा और बाद वो कुछ कंपनियों के मैसेज चला देते फिर माजरत के चलाने पड़ते हैं तो मैं नहीं पता पहले दो लो बाद में बोलो बस ठीक और किसी को ज़रूरत हो रही है भाई एक दूसरे की बात कर रहे शांति नहीं हो रमजान मुबारक और इस तरफ पूरा इस तरह नहीं आगे नहीं पार भी है सामने करता होगा क्योंकि आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे जैसे तस्वीर बन गई तो आज रात हो जाएगा दावत इस्लामी के अगली मराकज में से है और दावत इस्लामी में आलमी मदनी मरकज कराची के बाद सबसे ज़्यादा ये माशाल्लाह बारौनक मरकज है इसके अंदर मस्जिद भी है इसके अंदर जामिया भी है जलसा भी है और इसके अंदर 40 से ज़ायद शोबाजात हैं और माशाल्लाह इसके अंदर पाकिस्तान मुशावरत ऑफिस भी है अल्लाह के
किलोमीटर आज वैसे आपको कह दें जो भी बहन है इसी से वो लाइव होते हैं हमारे इज्तिमात वगैरह भी माशाल्लाह। और जो मुख्तलिफ आप लाइव प्रोग्राम्स देखते हैं फैसलाबाद में स्टूडियो भी है मुख्तलिफ शहरों से भी इसके वो इज्तिमात दिखाए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रुको रुको सामने आप देख रहे हैं पाँच मंजिला इसमें अरकनी सूरा और पाकिस्तान भर के जिम्मेदार अनाते हैं कि यहीं उनका कैम कराया जाता है। और इसमें अभी हमने लिफ्ट भी लगानी 40 लाख रुपये लग रहे और ये मस्जिद है अल्लाह के करम यहाँ पर डेली फैजान मदीना में तकरीबन 1,000 आते जाते हैं। अल्लाह की रहमत से अल्लाह का खैर फरमाए। ये जाम खड़े हैं ये जामियत उल मदीना की बिल्डिंग है ये दिखाएं भाई इनको ये जामियत उल मदीना की बिल्डिंग के जो 650 स्टूडेंट हैं उसमें नसीबत का फैजान दुनिया भर में आम है हम भी फैजान लेने वाले पूछने वाले बने एंड कहाँ से करना है।